अस्सलामु अलैकुम गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब हैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़रूरी टिप्स कि आप FSC का 2 साल जो है और उससे पहले के 4 महीने छुट्टियों के वो कैसे गुजारें। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और हेल्पिंग वीडियोज़ ऑन लाइफ जो आपको आगे लेके जा सकें तो वो मिल सकें। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। तो यार ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो कि अभी मैट्रिक कर चुके हैं और FSC में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है। FSC में या फिर टू ईयर्स की जो एजुकेशन है उसमें इंटरमीडिएट में एजुकेशन में इंटर होने वाले हैं। तो यार आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ कि आप लोग यार अभी से डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौर होता है, बंदे को लगता है हमने मैट्रिक कर लिया हमारे से ज़िंदगी का सारा भार उठ गया, तो लेकिन ऐसी बात नहीं होती। तो आपको जो है यार अभी एक बच्चा आ रहा है पढ़ने, देखो 4 बजे का टाइम और अभी मैंने सबको भेज दिया नमाज़ पढ़ने, अभी 4:45 हो गए अभी आए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जाओ उमर नमाज पढ़ो अभी जल्दी से आ जाओ। तो क्या कहते हैं जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है आपकी लाइफ का और आपने डिसाइड करना होता कि मैंने क्या करना है। यार अभी मैं iPhone 11 से वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी वज़नी फील हो रहा है मुझे और मेरे हाथ दस थक गए 1 मिनट बाद ही, पता नहीं क्या है यार इसको वज़नी है बड़ा। 15 जो है वो टाइटेनियम का बना, उसमें सुना काफ़ी वेट कम है लेकिन ये तो काफ़ी वज़नी है। तो यार तो आपने डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। तो उसमें सबसे जो ज़रूरी मैं चीज़ कहूँगा, मुझे पता है आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा और आपको टाइम जो है स्टडी का बहुत ज़्यादा देना होता है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपने जो कॉलेज में पढ़ना है, आप अकेडमी जाते हो या नहीं जाते। अगर अकेडमी जाते हो कॉलेज के बाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो आप अकेडमी जाओ, अगर प्राइवेट स्कूल में हो तो उसके बाद भी फीसेज अफोर्ड कर सकते हो तो आप जाओ अकेडमी में। तो अगर आप अकेडमी में जा रहे हो तो ये चीज़ मस्ट है कि आप अगर ये सोचते हो ना कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ अकेडमी जा रहा हूँ और मैं घर आके नहीं पढ़ूंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो ये अपने जहन से ये गलतफहमी और भूल निकाल दो बेटा, क्योंकि ये ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप घर आके रिवाइज़ ना करें उसकी एक दफ़ा कम अज़ कम अगर मैथ है फिज़िक्स है केमिस्ट्री है बाकी माइनर सब्जेक्ट्स का बंदा पेपर्स के करीब भी कर लेता है 2 हफ्ते रहते हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा एक ऐसे या कुछ भी चीज़ छोटी मोटी माइनर सब्जेक्ट्स की भी करें आके एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ कर लिया या कुछ भी। तो लेकिन ज़रूरी होता है कि यार आप जो है घर आके मैथ का जो भी एक्सरसाइज है 3-4 क्वेश्चन जो करवाएं वो प्रैक्टिस करें, फिज़िक्स का लर्न करें और उसके बाद केमिस्ट्री का तो बहुत ही यार क्या बताऊँ, केमिस्ट्री का आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ती है, केमिस्ट्री का याद रखना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि फिज़िक्स में एक पूरा टॉपिक होता है और उसको आप लॉन्ग में याद कर सकते हो, उसमें शॉर्ट डेफिनेशन भी उसी में से बनी होती है। केमिस्ट्री में हर पेज पे यार 3 डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, 2 पेज हैं आयन डायपोल फोर्सेज, उधर ही पता नहीं कोई और फोर्स आ जाएगी, तो इसी तरह यार बहुत सारा चीज़ें हैं। तो बस ये है कि आप घर आके मेन चीज़ क्या है, बेसिक इसका रिजल्ट क्या है, घर आके आपने लाजमी पढ़ना है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि सुबह जल्दी उठें 5:30-5:30 बजे आप तैयार शहर हो, उसके बाद आप 1 घंटा रिवीजन करें, वो 1 घंटा आपके रात के 3 घंटे के बराबर होगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि न्यूज़पेपर आप लाजमी पढ़ना शुरू कर दें जूँ ही आप FSC में कदम रखते हैं। अगर आपने अपनी अगली लाइफ आसान गुजारनी है तो FSC में आपको टफ मेहनत करनी होगी, FSC में आपको हार्ड वर्किंग बॉय बनना होगा, ठीक है मैन बनना होगा। तो FSC में आप न्यूज़पेपर का एक कम अज़ कम डेली एक ओपिनियन पढ़ दें और अगले दिन एक आर्टिकल वो जो होता है आर्टिकल पढ़ दें, इसी तरह इसको कंजक्टिव डेज में करते जाएं, तो देखिएगा आपका नॉलेज और माइंड कितना ओपन हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि अगली वीडियो में बताऊंगा कि FSC स्टूडेंट्स और क्या कर सकते हैं, ठीक है ISSB की तैयारी के बारे के लिहाज से वो मैं बताऊँगा क्या कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद वो आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, या कहीं पुलिस में जाना चाहते हैं तो मैं वो भी गाइड करूँगा इंशाल्लाह।